हेलो फ्रेंड्स, biharrecipe.com में आपका स्वागत है। मैं सीमा तिवारी आज आप लोगों को सैंडविच बनाने की विधि बताऊंगी। तो देखिए, हम यहाँ ब्रेड लिए हैं, इस तरह का आप ब्रेड ले लीजिए, ब्राउन ब्रेड भी आता है मार्केट में। और यहाँ एक दो हम मीडियम साइज का जो आलू है, ये उबला हुआ आलू है, इसको हम बारीक कट कर लिए हैं, छोटे छोटे इस तरह के पीसेज कर लिए हैं। और ये खीरा है, इसे भी हम बारीक कट कर लिए हैं। ये है पत्ता गोभी, इसको भी बारीक कट कर लिए हैं। ये है टमाटर, इसको भी कट कर लिए हैं। और ये है चाट मसाला और नमक। ये धनिया पत्ता है, बटर है ब्रेड को सेकने के लिए। तो हम पहले इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल लेते हैं, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है चाट मसाला डालने से। और थोड़ा थोड़ा हम नमक भी मिला लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा हम धनिया पत्ता डाल देते हैं। और इन सभी चीजों को हम एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तावे पे ब्रेड को सेकेंगे। अगर आपके पास टोस्टर है तो ठीक है, नहीं तो तावे पे भी अच्छे से बन जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम तावे में लगाएंगे बटर। और बटर लगा करके हम ब्रेड में भी लगा लेंगे इस तरह से थोड़ा सा, और अच्छे से ब्रेड को हम सेक लेंगे। दोनों साइड बटर लगा के हमें ब्रेड को बढ़िया से सेकना है। तो देखिए, ब्रेड हमारा अच्छे से सिक गया है दोनों साइड। अब हम गैस को कर दिए हैं लो फ्लेम पे, और इस पे हम रखेंगे सबसे पहले आलू। और इसके ऊपर हम रखेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। इस पे रखेंगे खीरा। और ऊपर से हम रख देंगे प्याज। और फिर हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी। अभी गैस को हमने बंद कर दिया है, नहीं तो नीचे से ये जल जाएगा। अब इस पे डालेंगे हम टोमेटो केचप। चिल्ली सॉस। और इस पे हम डाल लेंगे, ये बच्चों का फेवरेट होता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, मेयोनीज। और दूसरे साइड दूसरे तरफ से हम दूसरे ब्रेड को लेके इसको हम ऐसे कवर कर देंगे। तो देखिए कितना टेस्टी हमारा सैंडविच बनके तैयार हुआ है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा सैंडविच बना हुआ है, आप खुद देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है। इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए घर में।
तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को देख करके लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल बिहारी रेसिपी सीमा तिवारी है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।